नमस्कार, मैं अनुष्का। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज शाम तक की खबरों को जानने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राज्य के निजी अस्पतालों को भी लगाना होगा ऑक्सीजन प्लांट। चार जिलों में मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों के लिए सरकार ने मांगे आवेदन। ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस खरीदने के लिए 2 लाख तक का अनुदान देगी बिहार सरकार। अब गाँव की खराब सड़कों की शिकायत कर सकेंगे मोबाइल ऐप के जरिए। देश भर में थमने लगी है कोरोना की रफ्तार। तो आइए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। चार जिलों में मेडिकल कॉलेज के शिक्षकों के लिए सरकार ने मांगे आवेदन। बिहार सरकार अब नए सिरे से राज्य के चार जिलों के मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में कई विषयों के शिक्षकों के भर्ती के लिए आवेदन की मांग की है। इसके तहत सरकार ने पूर्णिया के राजकीय मेडिकल कॉलेज, वर्धमान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बाबापुरी, बेतिया स्थित राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय और मधेपुरा स्थित जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के लिए कई विषयों के शिक्षकों से आवेदन मांगे हैं। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव कौशल किशोर ने इस संबंध में एक आदेश भी जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार पूर्णिया के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में इस वर्ष से पढ़ाई शुरू करना चाहती है। अपर सचिव ने पत्र में कहा है कि अन्य मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के शिक्षक जो इन मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में पढ़ाना चाहते हैं, वे 15 जून तक अपने आवेदन सरकार को सौंप सकते हैं। इसके लिए आवेदन ईमेल के जरिए मांगे गए हैं। इच्छुक व्यक्ति विभाग के मेल आईडी health@nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस खरीदने के लिए 2 लाख तक का अनुदान देगी बिहार सरकार। राज्य में अब एम्बुलेंस खरीद पर सरकार 2 लाख तक का अनुदान देगी। इसके तहत मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में एम्बुलेंस खरीद के लिए 1020 लाभुकों का चयन किया गया है। इस योजना के तहत चुने गए जिन लाभुकों के पास खरीदने के लिए रुपए नहीं है, वे बैंक या फिर अन्य वित्तीय संस्थान से कर्ज लेकर भी एम्बुलेंस को खरीद सकते हैं। इस खरीद पर भी राज्य सरकार नियम के अनुसार 50% या अधिकतम 2 लाख रुपए का अनुदान देगी। इसके लाभुक किसी भी मान्यता प्राप्त बैंक से कर्ज ले सकते हैं। वहीं इस संबंध में परिवहन विभाग ने अनुदान की प्रक्रिया को समझाते हुए सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। इसके तहत सबसे पहले जिला परिवहन पदाधिकारी चयनित लाभुकों के साथ बैठक कर जानकारी देंगे, जिसके बाद लाभुक एम्बुलेंस खरीद के लिए जहां से कर्ज लेंगे उस बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान का सहमति पत्र DTO में जमा करेंगे, जिसके बाद DTO कागजात की जाँच कर BDO को उपलब्ध कराएंगे। BDO की जाँच में सभी कागजात सही पाए जाने पर अनुदान की राशि लाभुक को खाते में ट्रांसफर कराई दी जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 21 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। पटना एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों को मिलेगी डे केयर की सुविधा। पटना एम्स में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में एम्स प्रशासन ने अपने नियमों में कुछ बदलाव लाया है। इसके तहत अब ऑपरेशन करा चुके सामान्य मरीजों को एम्स में डे केयर की सुविधा मिलेगी। यानी कि ब्लैक फंगस से संक्रमित ऐसे मरीज जिनका ऑपरेशन हुए 4 से 5 दिन हो चुका है और उनकी स्थिति में सुधार हो रहा है, उन्हें फंगस वार्ड से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा और ऐसे मरीजों को प्रतिदिन एम्स आकर एम्फोटेरिसिन का इंजेक्शन लेना होगा और उसके बाद फिर वे अपने घर जा सकेंगे। इस संबंध में एम्स में ब्लैक फंगस वार्ड के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि ऑपरेशन करा चुके मरीजों को सिर्फ एम्फोटेरिसिन की दवा 14 दिनों तक ही चलती है। ऐसे मरीजों को अगर घर पर भी यह इंजेक्शन का डोज मिले तो वे घर में ही रह सकते हैं। इसको देने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। डे केयर की सुविधा मिलने से मरीज प्रतिदिन आकर इंजेक्शन का डोज ले सकते हैं और अपने घर में रह सकते हैं। इससे उन्हें भी घर का माहौल मिलेगा और दूसरी ओर नए मरीजों के लिए वार्ड में बेड की उपलब्धता भी रहेगी। अब गांव की खराब सड़कों की शिकायत कर सकेंगे मोबाइल ऐप के जरिए। बिहार में अब गांव में सड़कें खराब और जर्जर दिखी तो उसकी शिकायत ऐप के माध्यम से की जा सकती है, जिसके माध्यम से सरकार उसे जल्द दुरुस्त करने का काम करेगी। इसके लिए बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जल्द मोबाइल ऐप लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसकी जानकारी देते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव पंकज पाल ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग ग्रामीण सड़कों के निर्माण, रखरखाव और मेंटेनेंस कार्य के लिए नई तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अब मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जानकारी जुटाएगी, जिससे किसी भी ग्रामीण सड़क की शिकायत या सुझाव राज्य का कोई भी स्थानीय व्यक्ति इस ऐप के माध्यम से विभाग को दे सकेगा। इसके लिए जल्द ही इस ऐप की शुरुआत की जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पक्की सड़कों का निर्माण लगातार किया जा रहा है। ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा अब तक तकरीबन 1,19,000 ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। पटना में शिक्षकों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर लगाया जाएगा टीका। बिहार के पटना जिले में अब शिक्षकों को फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर वैक्सीन देने में प्राथमिकता अपनाई जाएगी। इसे लेकर शनिवार से विशेष अभियान शुरू करने का निर्देश पटना DM ने सभी अधिकारियों को दिया है। इस अभियान के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के शिक्षकों एवं उनके परिवार के सदस्यों का आकलन करेंगे। इसके साथ ही शिक्षा समिति के सदस्यों तथा रसोईया का भी टीकाकरण करने का आदेश दिया गया है। DM ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पूरी तैयारी सुनिश्चित करने तथा शनिवार से उनके लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके तहत 18 वर्ष से 44 आयु वर्ग तथा 45 वर्ष एवं उससे अधिक आयु वर्ग के शिक्षकों एवं
एवं उनके परिवार के सदस्यों के लिए प्लान बनाने का निर्देश दिया गया है। वहीं डीएम ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को आशा सेविका एवं जीविका दीदी के माध्यम से लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए जागरूक करने को भी कहा है। कोरोना से होने वाले मौत के आंकड़ों को लेकर पटना हाईकोर्ट ने दिखाई सख्ती। पटना हाईकोर्ट में लगातार कोरोना काल में सरकारी व्यवस्थाओं से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इसी बीच चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने राज्य सरकार पर कोरोना से होने वाले मौत के आंकड़े को लेकर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया कि कोरोना पीड़ित मरीजों की मौत से संबंधित सभी आंकड़े पूरे प्रदेश के किसी भी एक पोर्टल पर क्यों नहीं आते हैं, ताकि कोई भी इस मामले में पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। जिसके बाद कोर्ट ने इससे संबंधित सभी जानकारियां राज्य के मुख्य सचिव को अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि वैक्सीनेशन, टेस्टिंग व कोरोना मरीजों के मौत के आंकड़े से संबंधित पूरी जानकारी का शपथ पत्र अगली सुनवाई पर कोर्ट में जमा करे। इसके लिए अब 7 जून को अगली सुनवाई होगी। राज्य में 12 से 15 जून के बीच मॉनसून देगा दस्तक। केरल में दक्षिण पश्चिमी मॉनसून अपनी तय तारीख से 3 दिन बाद पहुंचा है। वहीं मॉनसूनी हवाओं के तेजी से बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुंच जाने की उम्मीद की जा रही है। वहीं आईएमडी के अनुसार बिहार में मॉनसून तय समय पर पहुंचेगा। इससे पहले पूर्वानुमान में बिहार में मॉनसून पहुंचने की तारीख 12 से 15 जून के दौरान की मानी गई थी। फिलहाल हिंद महासागर के पश्चिम में, अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी में मॉनसून की धारा अभी काफी तेजी से बढ़ रही है। केरला से भी पछिया हवा भी तेज बढ़ रही है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि मानसून निर्धारित समय से थोड़ा बहुत आगे पीछे देश के अन्य भागों में पहुंच जाएगा। वहीं इस दौरान बिहार में कोई भी मौसमी सिस्टम काम नहीं कर रहा है। ऐसे में राज्य में तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखी जाएगी। राजद सांसद एडी सिंह की गिरफ्तारी के बाद सुशील मोदी ने कसा तंज। आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह को बीते दिन गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने उर्वरक घोटाले के मामले में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। जिसके बाद से ही बिहार में राजनीति गड़बड़ा गई है और पक्ष के नेता विपक्षी पार्टी राजद पर हमलावर हो रहे हैं। इस क्रम में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से कहा कि करोड़ों रुपए के रासायनिक उर्वरक घोटाले में राजद के एक राज्यसभा सदस्य की गिरफ्तारी चौंकाने वाली नहीं, बल्कि एक बार फिर यह साबित करने वाली है कि लालू प्रसाद की राजनीति कभी भ्रष्टाचारियों, अपराधियों, बलात्कारियों और माफियों से मुक्त नहीं हो सकती है। सुशील कुमार मोदी ने कहा कि मोदी सरकार ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा पूरा करने के लिए 800 करोड़ के फर्टिलाइजर स्कैम की जांच सीबीआई से कराई और अब ईडी ने जांच को आगे बढ़ाया। कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जिनकी पोल खुल रही है वे छाती पीट रहे हैं। राज्य के निजी अस्पतालों को भी लगाना होगा ऑक्सीजन प्लांट। राज्य के निजी अस्पतालों में ऑक्सीजन की औचक कमी ना हो, इसके लिए अब निजी अस्पताल प्रशासन को भी अपना ऑक्सीजन प्लांट लगाना होगा। इससे पहले स्वास्थ्य विभाग ने कहा था कि आईजीआईएमएस सहित राज्य के सभी 10 मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में अगले 5 सालों के लिए 3 महीने के अंदर ही क्रायोजेनिक मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे। वहीं अब सभी प्राइवेट अस्पतालों को भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही विभाग ने बताया कि राज्य सरकार के पास 1794 डी टाइप तथा 17594 बी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर है। वहीं राज्य में फिलहाल 15 जिलों में 20 आरटीपीसीआर लैब काम कर रही है। विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि इस महीने के अंत तक में 10 जिलों में आरटीपीसीआर लैब और भी काम करने शुरू कर देंगे। आपको बताते चले कि ये जानकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दायर कर कोर्ट को दी है। अभिनेत्री अक्षरा सिंह को लेकर अश्लील गाना बनाने वाले सिंगर की हो सकती है गिरफ्तारी। भोजपुरी अदाकारा अक्षरा सिंह ने अपने और पवन सिंह के संबंधों को लेकर अश्लील गाना बनाने वाले सिंगर नीलकमल सिंह पर कंकड़बाग थाने में मामला दर्ज करवाया था। जिसके बाद मामले में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद कंकड़बाग थाने की पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने अक्षरा सिंह से अश्लील गाना गाने वाले भोजपुरी गायक नीलकमल सहित उसके साथी धीरज व अन्य आरोपित के बारे में पूछताछ की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सबूतों की पुष्टि की जा रही है। सबूत मिलने के बाद नीलकमल व अन्य की गिरफ्तारी की जा सकती है। आपको बता दें कि नीलकमल द्वारा अक्षरा सिंह और पवन सिंह को लेकर गीत अश्लील गाना सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद अक्षरा ने आरोप लगाया था कि उन्हें बदनाम करने के लिए यह गीत गाया है। मामले में पुलिस ने मंगलवार को भोजपुरी गायक नीलकमल सिंह व धीरज सहित 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। दिवंगत राजद नेता शहाबुद्दीन के घर पहुंचे बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे। बीते दिन राजद के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद बीजेपी एमएलसी टुन्ना पांडे के उनके आवास पर पहुंचने के बाद से ही बिहार की राजनीतिक हलचल तेज हो गई। दरअसल गुरुवार को भाजपा से एमएलसी टुन्ना पांडे ने शहाबुद्दीन के आवास हुसैनगंज प्रखंड क्षेत्र के प्रतापपुर पहुंचकर उनके पुत्र ओसामा शहाब से न सिर्फ मुलाकात की, बल्कि करीब 1 घंटे की मुलाकात के दौरान वे ओसामा और उनके परिजनों को समझाते रहे। वहीं उन्होंने दिवंगत सांसद के स्वजनों को सांत्वना
सूचना देते हुए कहा कि मोहम्मद शहाबुद्दीन की भरपाई नहीं की जा सकती है। ओसामा से मुलाकात के बाद पूनम पांडे ने कहा कि उनके अपने भाई की भी मौत कोरोना से हो गई थी, इस कारण वे प्रतापपुर नहीं पहुंच सके थे। वहीं पूनम पांडे की इस मुलाकात से सीवान जिला भाजपा में हलचल मच गई है। बता दें कि इससे पहले दो दिन पूर्व ही पूनम पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जिंदाबाद नहीं कहूंगा, नीतीश परिस्थितियों के सीएम है। पूनम ने यहां तक कह दिया था कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जनता ने राजद नेता तेजस्वी यादव को सबसे अधिक मत देकर चुना था, लेकिन नीतीश कुमार ने सरकार तंत्र का इस्तेमाल करते हुए सत्ता पा लिया। बता दें कि बड़हरिया से राजद के विधायक बच्चा पांडे और पूनम पांडे आपस में भाई हैं। पप्पू यादव की रिहाई तक आंदोलन करती रहेगी जाप युवा परिषद। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव की रिहाई को लेकर जन अधिकार युवा परिषद ने उनकी रिहाई होने तक आंदोलन करते रहने का अल्टीमेटम दिया है। इस क्रम में युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा कि रिहाई के लिए राज्य भर में प्रभात फेरी भी निकाली जाएगी, जिसके जरिए पप्पू यादव के विचारों को आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। इसमें राज्य भर के जाप युवा परिषद से जुड़े लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव ने राजनीति में सेवा को शामिल कर उच्च मानदंड स्थापित करने का काम किया, जिस वजह से जब भी लोग मुसीबत में पड़ते हैं तब उनकी जुबान पर उनका नाम होता है। कोरोना काल में भी जाप सुप्रीमो ने लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पप्पू यादव की इस बढ़ती लोकप्रियता से सत्ता और विपक्ष दोनों घबरा गई है, इसलिए एम्बुलेंस की चोरी करने वाले नेता मंत्री को छोड़ गहरी साजिश के तहत 32 साल पुराने मामले में उन्हें जेल भेजा गया, जो लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। यूएई सरकार ने बीसीसीआई को आईपीएल 2021 के बचे मैच कराने की दी मंजूरी। कोरोना के कारण स्थगित हुए आईपीएल 2021 के बाकी बचे 31 मैच के यूएई में होने को लेकर अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही टूर्नामेंट के आयोजन में हर संभव मदद देने का भी भरोसा जताया है। बता दें कि पिछले साल पूरा आईपीएल यूएई में हुआ था। जानकारी के मुताबिक टूर्नामेंट 18 या 19 सितंबर को शुरू हो सकता है और 25 दिन की विंडो के अंदर 8 डबल हेडर यानी कि एक दिन में दो मैच कराकर टूर्नामेंट को खत्म किया जा सकता है। वहीं आईपीएल 2021 का फाइनल 9 या 10 अक्टूबर को हो सकता है। अब बीसीसीआई की टीम अगले 3 से 4 दिनों में सभी वेन्यू का निरीक्षण करेगी, जिससे कि टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी चीजों का इंतजाम अभी से ही किया जा सके। द फैमिली मैन 2 को समय से पहले कर दिया गया रिलीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अपने पहले सीजन से द फैमिली मैन सीरीज ने काफी नाम कमाया था, वहीं अब अमेजन प्राइम ने फैंस को अचानक खुशखबरी दे दी। दरअसल द फैमिली मैन 2 के सारे एपिसोड्स आज 4 जून को रिलीज होने वाले थे, लेकिन अमेजन प्राइम ने एक दिन पहले ही इसे रिलीज कर दिया, जिसके बाद इस सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे फैंस खुशी से झूम उठे। बता दें कि दूसरा सीजन 4 जून को रिलीज होने वाला था, लेकिन वेब सीरीज ने कुछ घंटे पहले ही इसे रिलीज कर दिया। फैंस इसे लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। कई फैंस ने सोशल मीडिया पर इसकी खुशी भी जाहिर करते हुए ट्वीट किया। एक फैन ने लिखा कि ये शो टाइम है, क्योंकि द फैमिली मैन का दूसरा सीजन रिलीज हो चुका है। प्राइम वीडियो हमेशा हम लोगों को सरप्राइज देता है। देश भर में थमने लगी है कोरोना की रफ्तार। देश भर में कोरोना की रफ्तार अब कम हो रही है और 2 लाख से कम मामले दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,32,364 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं इस दौरान 2,713 मरीजों की जान चली गई है। वहीं इस दौरान 2,07,000 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद देश भर में कुल एक्टिव केस 16,35,993 हो गई है। वहीं अगर बात हम अपने बिहार की करें तो बिहार में बीते दिन के बीते 24 घंटे में 1,106 कोरोना के नए केस आए हैं। वहीं इस दौरान 2,238 लोग कोरोना से रिकवर भी हुए हैं, जिसके बाद बिहार में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 11,430 हो चुकी है। वहीं अच्छी खबर यह है कि बिहार में मामले कम आ रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़े हैं, जो कि बढ़कर 97.64% हो चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कि आपके अनुसार आपके आसपास के क्षेत्रों के सड़कों के हालात कैसे हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और बिहार से जुड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए जुड़े रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।